हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेनस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी ओके तो सबसे पहले आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो वेन्स हैं वो कैसे आर्ट्रीज और कैपैलरीज के साथ कनेक्टेड हैं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मेजर आर्टरी ठीक है आर्ट्री से डिवाइड होकर बनता है आर्ट्रीओल सिमिलरली वेन वेन से वेन्यूल और दोनों के बीच में होती है कैपेलरिक्स क्लियर तो कैपेलरिक्स किसको जोड़ रही है आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल को ओके okay? तो आर्ट्रियोल हो गया स्मॉल पार्ट ऑफ आर्ट्री वेन्यूल हो गया स्मॉल पार्ट ऑफ वेन तो आगे बात करें वेन्यूल्स की तो वेन्यूल्स क्या है वेन्यूल्स आर स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द माइक्रो सर्कुलेशन माइक्रो मतलब जो बहुत छोटे लेवल पे हो रही है ठीक है जिसमें ल्यूमन बहुत कम होती है ल्यूमन मतलब हॉलो स्पेस इन द वेसल दैट कनेक्ट कैपेलरी बेड्स टू वेन्स मतलब जो वेन्यूल हैं वो वेन को कैपेलरी बेड के साथ कनेक्ट करते हैं मैनी वेन्यूल यूनाइट टू फॉर्म अ वेन मतलब काफ़ी सारे वेन्यूल मिलकर एक वेन बनती है सिमिलरली काफ़ी सारे आर्ट्रियोल जुड़कर एक आर्टरी बनती है और दोनों के बीच में होती हैं कैपेलरीज ओके तो कैपेलरीज जो है वो सबसे छोटा वेसल है वेन्यूल्स वॉल्स हैव थ्री लेयर्स जो वेन्यूल की वॉल होती है उसकी थ्री लेयर होती हैं जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम किसी भी ब्लड वेसल की जो इंटर इंटरनल लेयर होती है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं राइट कंपोज ऑफ स्क्मस एपीथीलियम सेल्स तो स्केमस एपीथीलियम क्या है एक टाइप ऑफ टिश्यू है दैट एक्ट एज अ मैमब्रेन और मिडल लेयर जो होती है वो होती है मसल्स की बनी हुई एंड इलास्टिक टिश्यू की ओके एंड आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की क्लियर सो so, ये है तीन लेयर जिसको आप अभी नेक्स्ट इमेज में देख पाएंगे कि ये कैसी दिखती हैं आपको तीन लेयर कैसे आपने इस स्ट्रक्चर को एग्जाम में ड्रॉ करना है सो दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स राइट तो ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर है जिसको अंदर आप हॉलो स्पेस देख रहे हैं इसको ल्यूमन बोलते हैं ठीक है ठीके? तो इसकी लाइनिंग होगी सिंपल्स केमस एपिथीलियम की मीडियल जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो मसल्स की लेयर है और सबसे बाहर जो है लेयर ट्यूनिका एडवेसिया जो कि एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है ओके तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये दिखती हैं। तो आगे बात करें डायमीटर की वेन्यूल का जो डायमीटर है दैट रेंजेस फ्रॉम एट टू हंड्रेड माइक्रोमीटर आठ से लेकर सौ माइक्रोमीटर का डायमीटर है और ये तब बनते हैं जब दो कैपेलरिस्ट पास पास आते हैं वेन कैपेलरिस कम टूगेदर वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट वेन क्या है ब्लड वेसल है जो कि बॉडी के वेरियस पार्ट से और टिश्यू से वापस लेके आती है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट ओके दे हैव थिन वॉल एंड वन वे वाल्व्स जो वाल्व होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं रोकते हैं ठीक है तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेन्स सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे सुपीरियर वेना केवा जो कि हार्ट के ऊपर के, के जो जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है और नीचे इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हार्ट के नीचे से ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती है सिफेलिक वेन जो आप देख पा रहे हैं वो अपर लिम्ब में है मतलब हमारी आम में है फिमोरल थाई में है ठीक है और सिमिलरली राइट साइड पर आप देख पा रहे हैं पलमोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती है लंग्स से और ब्राकियल आर्टरी जो आप देख पा रहे हैं वो डीप सीटेड होती है आर्टरी और ब्राकियल वेन भी होती है वो भी होती है डीप सीटेड वेन ठीक है जो कि सुपरफिशियल नहीं होती बॉडी के अंदर डीप पड़ी होती हैं द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आर्टरी और वेन में मेजर डिफरेंस है ब्लड फ्लो का जो आर्टरी की बात करें तो उसमें ब्लड फ्लो है आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द आर्टरीज मतलब हार्ट से बाहर लेके आती हैं टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन्स ठीक है ये काम हो गया आर्टरी का वेन का काम जस्ट अपोजिट है वो करती है रिटर्न रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू ठीक है थ्रू द वेन्स सो so, वेन्स आर ऑफन क्लोजर टू स्किन मतलब काफ़ी क्लोज होती हैं आपने देखा होगा जब हम सैंपल देते हैं किसी ब्लड का सैंपल देते हैं लैब टेक्नीशियन को तो वो वेन ईजी लोकेट कर लेते हैं ठीक है एंड वेन्स कंटेन वाल्व टू कीप द ब्लड फ्लोइंग टूवर्ड्स हार्ट मतलब वन वे फ्लो को जो है करती है कौन वाल्ब्स वेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है जो किसी चीज़ को स्टोर कर पाए ठीक है तो यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है तो ब्लड स्टोरेज होगा तो वेन आर ऑल्सो कॉल्ड वेसल बिकॉज़ दे कंडेन सिक्सटी परसेंट ऑफ द बॉडीज ब्लड वॉल्यूम ठीक है तो सबसे ज्यादा ब्लड का जो वॉल्यूम जो है वो वेन में है तभी इसको बोला जा रहा है कैपेसिटेंस वेसल्स द रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज असिस्टेड बाई एक्शन ऑफ स्केल्टल मसल पम्प तो मसल्स की फोर्स के कारण जो वेनस रिटर्न है उसको असिस्ट करती हैं मसल्स ठीक है एज ए मसल मूव दे स्क्वीज द वेन रनिंग थ्रू दैम मतलब जितनी भी वेन्स स्कैल्टल मस सिस्टम में जा रही हैं तो वो उसको स्क्वीज करती हैं जैसे ही हम वॉक करते हैं रन करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी के दौरान मसल्स स्क्वीज़ करेगी वेन्स को ताकि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाए ओके वेनस कंटेन वेन्स कंटेन अ सीरीज ऑफ वन वे वॉल्प्स दे आर एंड दे आर स्क्वीज्ड ब्लड इज़ पुश थ्रू वाल्व ब्लड पुश होता है विच देन क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो मतलब वाल्व जो है पुश करके क्लोज हो जाता है ब्लड को पुश करने के बाद ताकि बैक फ्लो ना हो सके ठीक है अब बात करें कुछ टर्म्स uh, uh, की तो जिससे सबसे पहले है वेनस पोलिंग तो इसका मीनिंग क्या हुआ व्हेन ब्लड अकमुलेट्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटी लेग्स को बोला जाता है ठीक है मतलब नीचे के पार्ट्स को बोला जाता है वेन ब्लड अकमुलेट इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज रिजल्टिंग इन द लो वेनस रिटर्न तो वेनस रिटर्न कम होगा टू द हार्ट विच कैन रिजल्ट इन फेंटिंग ठीक है आपने देखा होगा कि जब किसी का बीपी कम हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि लेग्स को ऊपर की तरफ करनी है ठीक है ऐसे बेड भी आते हैं हॉस्पिटल के अंदर जिससे जो है लेग्स uh, वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा ताकि वेनस रिटर्न इनक्रीज हो जाए स्कैल्टल मसल पंप ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें क्या है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब मसल्स लिम्ब बोलते हैं लेग्स को एंड आर्म्स को दैट अकर ड्यूरिंग नॉर्मल लोकोमोटरी एक्टिविटी सच एज वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग विच प्रमोट वेनस रिटर्न बाई पम्पिंग एक्शन ऑन वेन्स विद विद इन मसल्स तो मसल्स के अंदर जो वेन्स हैं तो वो मसल वो जब मूव करेगी तो वेन्स को स्क्वीज़ करेगी तो स्क्वीज करते ही वो वेनस रिटर्न को इनक्रीज करेगी ठीक है और हमें फेंट होने से बचाएगी तभी इसको इस एक्शन को बोला है मसल्स के एक्शन को स्केल्टल मसल पंप, ओके तो यह पंपिंग एक्शन कर रहा है रिदमिक कंट्रक्शन के कारण ठीक है तो ये क्या कर रहा है बेसिकली वेनस रिटर्न को रेगुलेट कर रहा है जिसका सीधा रिलेशन होएगा बीपी की रेगुलेशन के साथ आगे बात करें पोर्टल वेन अ शॉर्ट वाइड वेन दैट कैरी ब्लड टू लीवर फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उनमें से ब्लड को लीवर में लेके आने वाली जो स्पेशल वेन है दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन ओके मोस्ट वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका ये कंपिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके फ्रॉम द टिशू बैक टू हार्ट मतलब टिशू में से डी ऑक्सीज ब्लड को हार्ट में लेके आना विन्स का ज़्यादातर वीन्स का काम यही है बट पालमुंद्री वेन एंड अम्बलिकल वेन अम्बलिकल वेन वो होते हैं जो नेवल के साथ जुड़ी होती है ठीक है पालमुंद्री वेन एंड अम्बलिकल वेन बोथ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिर्फ पलमुंदरी वेन के बारे में पता होगा लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दो वेन होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन बाय वेन्स टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट जिसको आप राइट ऑरिकल बोल सकते हैं विच ट्रांसफर द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल वेयर इट इज पंप थ्रू द पलमुंदरी आर्ट्री टू द लंग्स तो लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन तो पलमुंदरी आर्ट्री में कौन सा ब्लड हुआ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके okay? तो यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में और प्यूरीफाई होने के बाद विद पालमुंद्री वेन आएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में ठीक है तो लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहां पे आके एक कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्लियर इन पालमुंद्री सर्कुलेशन द वेन्स रिटर्न ऑक्सीजेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल जैसे मैंने अभी आपको बताया विच एम्पटीज इंटू लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट ऑरिकल जो एम्पटी होएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया एक साइकल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ठीक है ऑल द मोस्ट वेन्स टेक ब्लड बैक टू द हार्ट पोर्टल वेन कैरी ब्लड बिटवीन कैपेलरी बेड मतलब जो पोर्टल वेन है उसका डायरेक्ट हार्ट के साथ कनेक्शन नहीं है पोर्टल वेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को कैरी करती है बिटवीन कैपेलरी बेड्स राइट जैसे मैंने अभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली आपको एग्जाम्पल दी थी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन हैं सभी में से ब्लड को लिवर में लेके जाएगी तो वो पोर्टल वेन है उसका डायरेक्ट हार्ट के साथ कनेक्शन नहीं है ओके सो फॉर एग्जांपल हिपैटिक पोर्टल वेन टेक्स ब्लड फ्रॉम कैपेलरी बेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द दैपेलरी बेड इन द लीवर मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैपेलरी बेड से ब्लड को लिया और लीवर के कैपेलरी ब्लड में ट्रांसफर कर दिया क्लियर द ब्लड इज देन ड्रेन्ड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्पलीन वेयर इट इज टेकन अप बाय हिपैटिक वेन जो लीवर के साथ एसोसिएटेड वेन है वो है हिपैटिक वेन ठीक है और हिपैटिक वेन जो है वो ब्लड को लीवर से कहाँ पर लेके जाएगी बैक टू दार्ट तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिंक हो गया ठीक है तो इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में पोर्टल सिस्टम होते हैं ठीक है जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अगर आपको कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कि, कितनी टाइप्स के जो है पोर्टल सिस्टम होते हैं तो आपने बताना है रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो मेजर दो हैं ये ठीक है तो नेक्स्ट बात करें सिंस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मैमल्स जो ये पोर्टल सिस्टम वाला फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सो डैमेज टू दिपैटिक पोर्टल वेन कैन बी डेंजरस अगर हिपैटिक पोर्टल वेन में कोई लीकेज होती है जब किसी भी तरह का डैमेज होता है तो ये बहुत डेंजरस होता है और इट कैन बी अ फेटल ठीक है फेटल मीन्स उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है क्लियर नेक्स्ट so बात करें ब्लड क्लॉटिंग इन द दिपैटिक पोर्टल वेन अगर ब्लड इसके अंदर क्लॉट कर जाए कैन कॉज पोर्टल हाइपर टेंशन विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ब्लड फ्लूड टू द लिवर ठीक है तो लीवर के अंदर जो ब्लड फ्लो है जो फ्लूड है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर ब्लड क्लॉट करता है हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर सो so इस इमेज में आप देख पा रहे हैं वालव का फंक्शन वेनस वाल प्रिवेंट बैक फ्लो एंड एंश्योर द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली तो ऊपर के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ओपन हुआ ब्लड आगे गया तो उसके बाद इमिडिएटली uh, जो बाल्ब है क्लोज़ हो गया ताकि बैक फ्लो ना हो ठीक है तो बैक फ्लो इज़ ऑलवेज फेटल क्लियर तो बैक फ्लो को रोकना किससे काम है वाल्व का और वाल्व किस में होते हैं सिर्फ और सिर्फ वेन्स में होते हैं आर्टरीज में नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे वेन के क्लासिफिकेशन की कि वेन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं तो सो वेन्स आर क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेस इंक्लूडिंग सुपरफेशियल वर्सेस डीप सुपरफेशियल जो बिल्कुल स्किन के क्लोज हैं और डीप जो काफ़ी डीप सिट होती हैं ठीक है पालमुंद्री वेन्स वर्सेज सिस्टेमिक वेन्स एंड लार्ज वर्सेज स्मॉल वेन्स सो दीज आर द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर वेन्स सुपरफेशियल वेन्स आर क्लोज टू सरफेस ऑफ द बॉडी एंड हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज मतलब इसके साथ पैरलर आर्टरीज नहीं होती डीप वेन्स की बात करें तो डीप वेन्स आर डीपर इन द बॉडी एंड हैव कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज ठीक है मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड आर्टरीज उसके साथ होती हैं तो ये है सुपरफेशियल वेन्स वर्सेस डीपसीटेड वेन्स ओके तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की तो इसमें करेंगे सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी तो उससे पहले बात करें कम्युनिकेटिंग वेन्स की तो कम्युनिकेटिंग वेंस क्या होती हैं डायरेक्टली कनेक्ट सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन्स दोनों को कनेक्ट करने वाले को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग वेन्स फिर बात करें पल्मोनरी वेन द पल्मोनरी वेन्स डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट ठीक है और जो सिस्टेमिक वेन होती है वो होती है वेन दैट ड्रेन द टिश्यू ऑफ बॉडी एंड डिलीवर डी ऑक्सीजेट ब्लड टू हार्ट ओके तो ज़्यादातर कौन सी वेन हुई हमारे अंदर सिस्टेमिक वेन्स जो क्या कर रही हैं बॉडी में से टिशू में से डी ऑक्सीजेंट ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जा रही हैं तो वो सभी वेन्स को बोलेंगे सिस्टेमिक वेन्स, और जो वेन ऑक्सीजेट ब्लड को लंग में लंग्स में से लेके आती है हार्ट के अंदर तो उसको बोलेंगे पालमोनरी वेन ठीक है तो ये आपको क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आने चाहिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेनस सिस्टम सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग